देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है yes, yes, हो गया गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम देखो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन हम लोग लास्ट टॉपिक जो कवर किए थे वो था हम लोग का मेटेरियल का कॉस्ट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है थीके? वो हम लोगों ने देखा था किस तरह से कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे अभी हम लोग यहाँ पर एक एबीसी एनालिसिस का और एक क्वेश्चन है वो कर सकते ये सब हो गया है देखो ये सब हम लोग अलग अलग टॉपिक के साथ जब कर रहे हैं तो ये सब हो गया है पीडीएफ शेयर करने से समझ जाओगे इलास्ट्रेशन वन हो चुका है इस पीडीएफ से इलास्ट्रेशन टू भी हो चुका इलास्ट्रेशन थ्री ये भी हो गया ठीक है इलास्ट्रेशन फोर ये भी हो गया है ये तो पहले हो गया था यो क्यू फाइव हो गया ये वाला भी हो गया है। ये मैक्सिमम मिनिमम लेवल है सेवन भी हो गया नंबर अभी नहीं करेंगे ठीक है मैंने नाइन्थ नंबर बता दिया था सोल्यूशन वहां पर ओपन करके दिखा दिया था किस तरह से करना है अभी देखो इलास्ट्रेशन टेन यहाँ पर बोला है ए फैक्ट्री यूजेस फोर थाउजेंड वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्री ये देखो नंबर ऑफ वेराइटीज नंबर ऑफ ऑफ़ इन्वेंट्री यहाँ पर बोल रखा है कितना फोर थाउजेंड है टोटल क्या ये टोटल करने पे फोर थाउजेंड आएगा हाँ ये टोटल करने से फोर आएगा यहाँ पर टोटल के लिए कुछ नहीं किया ये सब टोटल है ठीक है गुड इवनिंग ज्योति गुड इवनिंग मैम ये देखो यहाँ पर और ये भी टोटल करोगे हंड्रेड आएगा ये भी टोटल करोगे हंड्रेड आएगा लेकिन ये क्या क्या चीजों का टोटल दिया हुआ है ये तो है वेराइटीज ऑफ जो स्टॉक है ठीक है ये थ्री टाइप्स ऑफ स्टॉक दे रखा है जिसका टोटल है फोर थाउजेंड और यहाँ पर बोला भी है फोर थाउजेंड uh, टोटल स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग एंड इन्वेंट्री यूसेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज कम ठीक है इन्वेंट्री होल्डिंग मतलब कितना परसेंट क्लोजिंग स्टॉक में है होल्डिंग मतलब हमारे पास कितना है गोडाउन में कितना है कितना हम लोग होल्ड करें कितना यूज कर लिए उसका एक डिटेल्स यहाँ पर दे रखा है तो ये देखो परसेंटेज वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी होल्डिंग इन्वेंटरी कितना होल्ड करके रखे हैं ये टाइप जो है पहला टाइप मान लो ये टाइप वन ये टाइप टू और ये टाइप थ्री टाइप वन इन्वेंटरी 20% है टाइप टू हम लोग के पास 30% है टाइप थ्री हम लोगों के पास फिफ्टी है और यहाँ पर यूसेज जो है यूसेज जो है ये फाइव परसेंट यूज हुआ है ये टेन परसेंट और ये एट्टी फाइव परसेंट यूज हुआ है ठीक है अब हम लोग को ये बताना है ये यहाँ पर ये क्या रखा है ये जो परसेंटेज बना हुआ है ये कैसे कैलकुलेट हुआ है ये देखो ये आउट ऑफ फोर थाउजेंड्री यानी कि कितना करीब देख सकते हो ये देखो थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी फाइव अगर डिवाइडेड बाई फोर थाउजेंड इन टू हंड्रेड हम लोग करेंगे ना तो इतना ही आ जाएगा ठीक है हम यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं ये देखो Three thousand eight hundred seventy five divided by four thousand. इन हंड्रेड ये करने से हम लोग को क्या मिलेगा कि कितना परसेंट इन्वेंट्री है ठीक है ये ये समझ में आ गया कि हम लोगों को क्या गीप एन है? In है ये कौन सा टाइप है ये कौन सा टाइप है मतलब इसमें से कौन सा टाइप ए है टाइप बी है टाइप सी है एबीसी एनालिस बेस्ड ऑन वैल्युएशन होता है ठीक है टोटल वैल्युएशन के ऊपर की जो सबसे महंगा आइटम होता है जो सबसे कॉस्टली आइटम होता है वो क्वांटिटी में कम होता है ठीक है और जो सबसे आ, मतलब चीप आइटम आइटम होता होता है होता है चीपेस्ट वो वो क्वांटिटी में सबसे ज्यादा होता है ठीक है और जो क्वांटिटी में ज्यादा होता है उस कंट्रोलिंग कम है पर क्योंकि वो सस्ते का है और जो महंगा वाला है जो मतलब आ, मतलब सबसे ज्यादा कॉस्टली है उसका क्वान्टिटी भी कम है और उसको हम लोग ज्यादा कंट्रोल भी करेंगे ठीक है तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कौन सा ए होगा कौन सा बी होगा और कौन सा सी टाइप होगा बोलो कौन सा ए टाइप है ये बताओ कौन सा टाइप ए है कौन सा टाइप ए है टाइप ए का मतलब क्या होगा जिसका क्वांटिटी कम होगा और वैल्यू ज्यादा होगा बोलो कौन सा यहां से चार्ट देख के नहीं बता सकते 3. हाँ मतलब ये वाला देखो ये तुम, सिर्फ और सिर्फ फिफ्टीन नंबर है टोटल फोर थाउजेंड आइटम्स है उसमें फिफ्टीन नंबर टोटल वन टू थ्री फोर करके काउंट करोगे तो नंबर में काउंट कर सकते हैं टोटल फिफ्टीन आइटम्स है तो सबसे कम आइटम क्वांटिटी सबसे कम जो है वो ए होगा ठीक है और ये देखो ये परसेंटेज भी वही बता रहा है मतलब फोर थाउजेंड का इतना परसेंट करोगे फिफ्टीन आ जाएगा ठीक है और वैल्यू इसका सबसे हाईएस्ट है ये देखो वैल्यू ये तो यूज यूज बता रहा है ठीक है उसका छोड़ो यहाँ से ये तीन कॉलम से ही तो का ये और ये कॉलम से ही हम लोग आंसर लिख सकते हैं ये वाला देखो ये इन दोनों में से बोलो बी सी कौन सा है बोलो इन दोनों में से बीसी कौन सा है सेम में ही होगा, लेकिन इन दोनों में उस तरह से कंपेयर करो किसका क्वांटिटी कम है और वैल्यू ज्यादा ये दोनों में से क्वांटिटी कौन सा कम है ये दोनों में सबसे कम फिफ्टीन था उसके बाद कौन सा कम है ये वाला तो ये सेकेंड वैल्यूएबल जो है आइटम हो जाएगा ठीक है और इसका देखो वैल्यू थर्टी और यहाँ पर यह हो जाएगा सबसे लेस वैल्यूएबल है इसीलिए ये क्वांटिटी में ज्यादा है क्योंकि एबीसी एनालिसिस इसी हिसाब से बनता है तो इसका तो एमसीक्यू भी बन सकता है इस तरह से तुम लोग को पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा ए टाइप है कौन सा बी टाइप है कौन सा सी टाइप है और अगर लिखना हो तो हम लोग कैसे इसे लिखेंगे हम लिख के दिखा देते देखो कैसे इसका आंसर हमें दिखाना है क्वेश्चन नंबर है टेन ठीक है इलास्ट्रेशन टेन फिफ्टीन नंबर वाला जो आइटम फिफ्टीन नंबर टोटल फिफ्टीन नंबर आइटम जो है वो हम लोगों का सबसे आ, कम आइटम है और सबसे वैल्यूएबल है ये टाइप ए है तो फिफ्टीन नंबर ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स शुड बी क्लासिफाइड एज ए ए कैटेगरी आइटम एज इसको ए कैटेगरी बोल रहे क्यों इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा एक्सप्लेनेशन ये है पहला पॉइंट कंस्टिट्यूट जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्री ठीक है तो ये क्या हो रहा है ये बोल रहा है कि कंस्टिट्यूट मतलब कितना यहां पर देखो कंस्टिट्यूट कर रहा है टोटल इन्वेंट्री का जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव परसेंट ठीक है टोटल इन्वेंट्री का मतलब सबसे कम है ठीक है विच इज मिनिमम सबसे कम है तो वही लिखेंगे विच इज मिनिमम उसको देख के ही तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया विच इज मिनिमम एज पर गिवन क्लासिफिकेशन इन द टेबल क्लासिफिकेशन इन द टेबल ठीक है अच्छा नेक्स्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल ये देखो अब फिफ्टी परसेंट वाला लिखेंगे ये देखो टोटल वैल्यू फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग विच इज मैक्सिमम सबसे वैल्यूएबल यही वाला आइटम है मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू टेबल क्योंकि टेबल के अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं प्रूव उसी को देख के हमें बताना है अकॉर्डिंग टू टेबल और थर्ड पॉइंट हाईएस्ट इन कंजम्पशन अबाउट कंजम्पशन सबसे ज्यादा है देखो एटी फाइव परसेंट 85% फाइव परसेंट ऑफ इन्वेंट्री यूसेज सबसे ज्यादा यही कंज्यूम हुआ है तो ये तीन पॉइंट हो जाएगा सेकेंड सेकेंड लिखेंगे ये वाले आइटम के लिए देखो 110 वाला ये बी टाइप ऑफ आइटम हो जाएगा ठीक है तो 110 नंबर आइटम इज ऑफ बी कैटेगरी ठीक है बी कैटेगरी का है ऐसा क्यों क्योंकि लिखना पड़ेगा सेम चीज हम लोग लिखेंगे इट कंस्टिट्यूट टू पॉइंट कितना था देखो टू पॉइंट सेवन फाइव जीरो टू पॉइंट सेवन फाइव जीरो परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ varieties ऑफ इन्वेंट्री आइटम ठीक है टू पॉइंट सेवन फाइव जीरो ये है सेकेंड हाइएस्ट ठीक है सेकेंड हाइएस्ट सेकेंड पॉइंट लिखेंगे मॉडरेट इन्वेस्टमेंट मॉडरेट इन्वेस्टमेंट मतलब इसका खर्चा देखो थर्टी है इसका ट्वेंटी लोएस्ट इसका हाईएस्ट हंड्रेड में हंड्रेड में ये थर्टी परसेंट ही पैसा इसमें इन्वेस्ट किया गया है तो हम लोग बोल सकते हैं ना ज्यादा ना कम मॉडरेट क्योंकि ये फिफ्टी है ठीक है ये हाफ पूरे इन्वेंट्री का हाफ जो है वो ए टाइप में ही चला गया है तो अब यहाँ पर लिखेंगे मॉडरेट इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व ट इज थर्टी परसेंट ऑफ टोटल ऑफ यूज ठीक है इन्वेस्टमेंट जो है वो थर्टी परसेंट ही किया गया है इसमें और मॉडरेट कंजम्प्शन है मॉडरेट इन कंजम्पशन अबाउट जन का देख लेते कितना है टेन परसेंट अबाउट टेन परसेंट और थर्ड नंबर पॉइंट जो सी कैटेगरी को हम लोग डिफाइन करेंगे थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी फाइव थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी फाइव थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी फाइव नंबर ऑफ वेराइटीज Of inventory item is classified as C category. Second point constitute. नहीं इसमें फर्स्ट पॉइंट वो तुम लोगों ने पहले लिखा कि वो कैटेगरी पे आ रहा है सी कैटेगरी में कंस्टिट्यूट 96 सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम यही है पूरे स्टॉक में 96.875 परसेंट ऑफ टोटल वैराइटीज़ ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स डल्ड बाई स्टोर्स ऑफ फैक्ट्री ठीक है तो सबसे ज्यादा यही आइटम जो है इन्हें मैनेज करना पड़ रहा है रिक्वायर्ड अबाउट नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रिक्वायर्ड अबाउट कितना इन्वेस्टमेंट है ट्वेंटी परसेंट था ट्वेंटी क्योंकि पहला वाला फिफ्टी फिर थर्टी तो ये ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल यूज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग तो जितना इन्वेंट्री होल्ड में है यानी क्लोजिंग स्टॉक में उसमें ट्वेंटी परसेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस टाइप ऑफ स्टॉक में इन्वॉल्व है और लास्ट पॉइंट मिनिमम इन्वेंट्री कंजम्पन दैट इज अबाउट फाइव परसेंट ऑफ इन्वेंट्री यूसेज ठीक है फाइव परसेंट ही यूज हुआ है सबसे कम वैल्यू में यूज हुआ है फाइव परसेंट ठीक है तो इसका आंसर हो गया इस तरह से तो ये बाकी था टेंथ नंबर वाला क्वेश्चन अच्छा अब अब एक थ्योरी पढ़ते हैं दैट इज इसका थ्योरी आता है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री अभी तक तो हम लोग इन्वेंट्री का जो आ, मतलब पैटर्न देख रहे थे कि अगर हम लोग इन्वेंट्री यानी क्या स्टॉक ठीक है स्टॉक रखने के लिए हमें होल्डिंग कॉस्ट जो है वो बियर करना पड़ता है लेकिन अगर हम लोग ऐसा कोई कंसेप्ट लाए कि जहां पर हमें होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट बियर ना करना पड़े यानी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मतलब हम लोग कुछ स्टॉक नहीं करना चाहते जब रिक्वायरमेंट होगा तब लेकिन टाइमली हमें चीज मिल जाए जैसे अभी हुआ है ना ग्रोसरी का जो नया है एपेब्लिंग ठीक है, है वो थर्टीन मिनट थर्टी मिनट्स में देके चला जाता है मतलब अगर मान लो कोई ऐसा सोचता है कि हम स्टॉक करके कुछ नहीं रखेंगे। मेरे पास जब थोड़ा बहुत बाकी रहेगा, बहुत बहुत, ही थोड़ा ठीक है तो हम ऑर्डर कर देंगे मेरे पास जो है इंग्रेडिएंट्स आ जाएगा या फिर मैंने जो भी ऑर्डर किया मेरे पास पहुंच जाएगा मेरा जो भी रिक्वायरमेंट है तो वैसे ही बोल सकते हो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का मतलब ऐसा है कि हमें ऐसे एक क्रेडिटर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिनको हम लोग ये बता देंगे कि हमें आपका मेटेरियल पसंद है और आपके पास जो मेटेरियल है वो हमारा रिक्वायरमेंट भी है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपना गोडाउन का खर्चा बचाना चाहते हैं सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा बचाना चाहते हैं हम लोग ये सब खर्चा मतलब इन्वेंट्री का जो होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट होता है वो हम लोग नहीं बियर करना चाहते हम लोग चाहते जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री फॉलो करेंगे यानी जब हम लोगों के हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगा रॉ मेटेरियल का तब हम लोग ऑर्डर देंगे और एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर लेकिन वो रॉ मेटेरियल हमारे पास आ जाना चाहिए ठीक है तो इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री अगर ये प्रोसेस फॉलो होता है तो फिर ईओ क्यू का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ईओ क्यू तो हम लोग तभी करते हैं ना मतलब किस तरह से ऑर्डर करें ऐसा क्वांटिटी में ताकि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है वो हम लोग का इक्वल हो अगर हमें कैरिंग कॉस्ट रखना ही नहीं है तो फिर दोनों को इक्वल का कोई मतलब ही नहीं होता है तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री केस में लेकिन ईओ क्यू का फिर कोई वैल्यू नहीं रहता है ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या होगा यहाँ पर बेसिकली कंसेप्ट ऐसा है कि अगर हम लोगों का एक गोडाउन है ठीक है गोडाउन में हम लोग स्टॉक जो है वो नहीं रखना चाहते ठीक है मतलब स्टॉक करके नहीं रखना चाहते क्यों क्योंकि स्टॉक करके रखने से हमारा क्या अप्लाई होता है कैरिंग कॉस्ट ये हमें बियर करना पड़ता है कैरिंग कॉस्ट बियर करना पड़ता है कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है जैसे कि रेंट uh, हो गया गोडाउन का ठीक है सिक्योरिटी गार्ड का कोई एक्सपेंस हो रहा है मतलब सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी वगैरह दे रहा है वो खर्चा ठीक है ये सब खर्चा हम लोग नहीं बियर करना चाहते हैं एटसेट्रा ठीक है etc. तो हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर सकते हैं जस्ट इन टाइम ठीक है यहाँ पर क्या होता है देखो पहला पॉइंट गुड्स विल बी और गुड्स विल बी ऑर्डर्ड वेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ठीक है जब जरूरत होगा तभी हम लोग ऑर्डर करेंगे ठीक है तभी होगा जस्ट इन टाइम सेकेंड हो जाएगा सेकेंड पॉइंट गुड्स विल बी रिसीव्ड इमीडिएटली After the order प्लेस ठीक है मतलब जल्दी जितना जल्दी हो सके ठीक है जस्ट इन टाइम मतलब जो टाइम हम लोग सोच रहे जैसे भी मैंने ब्लिंकट वाला एग्जांपल दिया उस पर अगर तुम लोग ऑर्डर नहीं भी करते हो तो तुम लोग जस्ट एक बार ऐप डाउनलोड करके करके देखना वहाँ पर ट्वेल्व मिनट्स थर्टीन मिनट्स थर्टी फाइव मिनट्स इस तरह से दिखाता है मतलब बहुत ही जल्दी ये हम लोग के पास जो है आ जाएगा सामान जो भी हम लोगों ने ऑर्डर किया है तो गुड्स विल बी रिसीव इमीडिएटली आफ्टर द ऑर्डर प्लेस ऑर्डर प्लेस करने के बाद जितना इमीडिएटली हो सके उतना इमीडिएटली हमारे पास पहुंच जाना चाहिए तभी हम लोग बोलेंगे कि ये जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री जो है जस्ट इन टाइम मेथड पे हम लोग कर रहे हैं ठीक है जस्ट इन टाइम मेथड हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं अच्छा इट इज सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट विथ एन एप्रोच टू हैव ए जीरो इन्वेंट्रीज इन स्टोर ठीक है ये एक ऐसा अप्रोच है या फिर ये एक ऐसा सिस्टम है स्टॉक को मैनेज करने का जहां पर हम लोग ये हमेशा चाहेंगे कि हमारे स्टोर पे जीरो इन्वेंट्री रहे मतलब हमारे पास कुछ स्टॉक ना रहे जब हमें जितना जरूरत होगा उतना मंगाएंगे उतना यूज करेंगे हो गया फिर जब जरूरत होगा मंगाएंगे यूज करेंगे हो गया हमें कुछ स्टोर करके नहीं रखना है ठीक है ये ऐसा एक अप्रोच है नेक्स्ट हो जाएगा केस ऑफ वन और मोर देन वन डे इट इज नॉट एप्लीकेबल इट इज नॉट एप्लीकेबल इसका मतलब है कि ऑर्डर करने के बाद इमीडिएटली आ जाना चाहिए तो इमीडिएटली का मिनिमम क्या होता है मतलब ऑर्डर क्या आ गया मैक्सिमम क्या होगा और मोर देन वन डे एक या एक से ज्यादा दिन अगर टाइम लग रहा है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा ठीक है इमीडिएट इसका इफेक्ट होना चाहिए अगर दो दिन तीन दिन बाद दे रहा है तो नहीं चलेगा इन केस ऑफ वन और मोर देन वन डे इट इज नॉट एप्लीकेबल इसको फिर हम लोग जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री नहीं बोल सकते हैं अगर हमारा ऑर्डर हमारे पास आने में एक या एक से ज्यादा दिन लग रहा है है तो ठीक है अब एक दिन ही नहीं माना जाएगा तो फिर इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं नेक्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मेटेरियल शुड ओनली बी परचेस्ड when इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन हम लोग सिर्फ तभी मेटेरियल लेंगे ठीक है मेटेरियल परचेज करने का तभी सोचेंगे सिर्फ जब हमें जरूरत होगा लेके रख दिए फ्यूचर की जरूरत के हिसाब से नहीं प्रेजेंट की जरूरत के हिसाब से ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच दिसरियल सेल ओनली बी इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन ठीक है मतलब हम लोग को कुछ लेके स्टोर नहीं करना है मतलब ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ना ये प्रेजेंट को ध्यान में रख के करना है कुछ फ्यूचर को ध्यान में रख के नहीं किया जाता है ठीक है ये पूरा प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग करेंगे नेक्स्ट हो जाएगा ये क्या है इसका बेनिफिट सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें कैरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा इट रिड्यूस कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट कुछ लगेगा ही नहीं जब जरूरत होता है उतना ही क्वांटिटी में हम लोग परचेस करते हैं और उतना ही यूज करते हैं तो फिर कैरिंग कॉस्ट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है ठीक है तो कैरिंग कॉस्ट नहीं लगता है इसमें ये थियोरिटिकली है इस इसपे कुछ कैलकुलेशन वगैरह वैसा नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉस ठीक है लॉस ऑफ मेट्रियल मेट्रियल लॉस कितने तरह का होता है देखो मेट्रियल लॉस मेनली जो है वो दो तरह का होता है ठीक है एक है नॉर्मल एक है एबनॉर्मल ठीक है नॉर्मल लॉस जो है वो है अन मतलब जिसे हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं और एबनॉर्मल लॉस है अनसर्टेन मतलब एवोयडेबल पहले लिख लेते हैं एवॉयडेबल उसके बाद अनसर्टेन लिखेंगे ये अवॉइड कर सकते हैं ठीक है अन क्यों है क्योंकि ये गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है ठीक है इट इज ड्यू टू गुड्स इनहेरेंट नेचर ठीक है यानी जो इसका नेचर है गुड्स का ठीक है जो नॉर्मली ये बना हुआ है उसके हिसाब से इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है इसका जो कॉस्ट है इसका जो कॉस्ट है मतलब जो लॉस कॉस्ट हो रहा है जितना लॉस हो जाएगा जैसे मान लो हम लोग एक फर्नीचर बना रहे ठीक है अगर फर्नीचर बना रहे तो मान लो चेयर बना रहे तो उसका सेप अलग होगा टेबल बना रहे उसका सेप अलग होगा ठीक है तो अलग अलग सेप हो सकता है बेंच का अलग अलग बेंच बन सकता है उसका अलग सेप हो सकता है सोफा सेट बन सकता है तो फर्नीचर अगर हम लोग बना रहे तो वहां पर जब हम लोग पर्टिकुलर जो हमारा डिमांड है उस हिसाब से जब हम लोग कटिंग करते हैं या फिर अगर हम लोग ड्रेस मेटेरियल यूज करके ड्रेस भी सिलवाते हैं तो वहां पर भी क्या होता है टेलर कटिंग करता है जैसे यहां पर कारपेंटर जो है करेगा इसको सेप देगा ठीक है एक पर्टिकुलर वुड को सेप देके वो मतलब फर्नीचर बनाएगा जो रिक्वायरमेंट है फर्नीचर का उस हिसाब से तो जब सेप देते हैं तो बहुत सारे लकड़ी जो है इधर उधर कट हो जाता है या फिर ड्रेस मटेरियल में बहुत सारा कपड़ा इधर उधर कट हो, हो जाता है ठीक है जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते ये तो नॉर्मल बात है अगर हमें एक पर्टिकुलर शेप में कुछ भी चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस जो है वो बेयर करना ही पड़ेगा कटिंग होके जो कपड़ा चला जाएगा जो वुड चला जाएगा वो तो बस लॉस है ठीक है लेकिन ये क्या है ये नॉर्मल लॉस है क्योंकि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो उसका पर्टिकुलर शेप के लिए तो हमें कुछ ना कुछ लॉस तो बेयर करना पड़ेगा इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं हैं जैसे जैसे मान लो कुछ पेरिसेबल गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो वो भी क्या हो जाएगा वो और जैसे दाल चावल जितना टाइम तक हम लोग स्टोर कर सकते ऑब्वियसली फ्लावर हो गया फ्रूट्स हो गया ये नहीं कर सकते जितना भी फ्रिज में रखो लेकिन वो जल्दी ही खराब होगा क्योंकि वो पेरिसेबल नेचर का है ठीक है अगर फिश वगैरह होता है वो भी पेरिसेबल नेचर का जो है मतलब ये नेचर ने मतलब इनहेरेंट नेचर है ना ये इसको हम लोग किसी तरह से चीजें चेंज नहीं कर सकते तो ये लॉस होगा क्योंकि ये सभी का होगा ठीक हो हो है, है ऐसा कोई चीज है जैसे हो गया, केमिकल हो गया, अगर इवोपोरेट होता है तो वो सभी के लिए होगा सेम चीज एप्लीकेबल होगा तो वो सभी के लिए सेम लॉस होता है तो नॉर्मल लॉस जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं ठीक है ये हम लोग एड कर सकते हैं मेटेरियल के कॉस्ट के साथ ठीक है तो कॉस्ट इसका जो कॉस्ट होगा नॉर्मल लॉस का कॉस्ट विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ मेटेरियल मेटेरियल के कॉस्ट में एड कर सकते हैं यानी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर कैन रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर अगर कॉस्ट में चार्ज करेंगे तो कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं ना प्रॉफिट लगाने के बाद कैन रिकवर फ्रॉम कस्टमर ठीक है और अगर एवॉडेबल जो है यानी कि एबनॉर्मल कब होता है ये सब है अनसर्टेन रीजन ये सब सर्टेन है पता है फ्लावर है तो वो मतलब कुछ दिन बाद खराब होगा फ्रूट्स है तो कुछ दिन बाद खराब होगा ठीक है कुछ इवापोरेट होने वाला चीज है तो कुछ दिन बाद खराब कुछ ग्लास मेटेरियल है तो वो टूटेगा ये एक आधा टूटेगा ठीक है थीके? तो वही बोल रहा है और अनसर्टेन रीजन ठीक है ये जो है एबनॉर्मल लॉस जो है उसका रीजन जो है अनसर्टेन होता है जैसे कि मान लो हमें नहीं पता होता है जैसे फ्लड ठीक है और मान लो चोरी हो जाना ठीक है या फिर थेफ्ट बोल लो ठीक है की बात है या फिर किसी वजह से रॉ मेटेरियल का डैमेज रॉ मेटेरियल का डैमेज किसी ऐसे रीजन से रॉ मेटेरियल का डैमेज फॉर फ्लड फॉर स्टोलिन या फिर थे है इस वजह से अगर रॉ मेटेरियल का डैमेज होता है ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं एवं आव... एबनॉर्मल लॉस ठीक है मतलब एवॉयडेबल लॉस जैसे मान लो अगर हम लोग चाहते तो इसे अवॉइड कर सकते थे जैसे अगर हमें पहले से पता होता कि पानी आ रहा है स्टोर में पानी चला जा रहा है रॉमटेरियल खराब हो जाएगा तो हम लोग उसे जगह शिफ्ट करवा सकते थे ठीक है जैसे क्या होता है तूफान ऊपर आता है तो जिस जगह पे ज्यादा मतलब रिस्क रहता है वहां से लोगों को क्या करते हैं एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करवाते हैं ना ताकि लॉसेस कम हो उसी तरह से यहाँ पर देखो री यहाँ पर जो चोरी वोरी हो रहा है तो अगर हम लोग सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखेंगे या फिर मान लो uh, -huh. आग वाग लग जाना ठीक है फायर ऑकर होना ये भी एक हो जाता है फायर ऑकर होना ठीक है ये सब हम लोग चाहते तो रोक सकते हैं यानी अवॉयडेबल है ठीक है, है और ये जो है ये कॉस्टिंग पीएल में जाएगा ये कांट रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर ये हम लोग कस्टमर से रिकवर्ड नहीं करते हमारे स्टोर में चोरी हो गया इसलिए हम लोग प्रोडक्ट का दाम ज्यादा करके बेचेंगे ये पॉसिबल नहीं है ठीक है कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि मार्केट में हम लोग ही सिर्फ ज्यादा प्राइस में बेच रहे होंगे क्योंकि बाकी लोगों का अगर चोरी नहीं हुआ है तो वो ज्यादा में बेचे ठीक है तो अगर मार्केट में एक सस्ते प्राइस में मिलेगा सेम चीज और एक महंगा प्राइस में मिलेगा तो कोई क्यों खरीदेगा महंगे वाले से ठीक है तो कांट रिकवर्ड मतलब कस्टमर से इसका लॉस चार्ज नहीं कर सकते हैं कांट रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर कस्टमर से ये वाला लॉस चार्ज नहीं करते ये चार्ज हो जाता है चार्ज टू चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल मतलब लॉस लॉस बोल के दिखाएंगे चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल ये पीएल में चला जाएगा ठीक है पीएल में लॉस बोल के चला जाएगा जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स किए हो कभी ना कभी तो वहां पर जैसे मान लो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर होता है फिर इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो वहां पर जो फायर से जो लॉस हुआ मान लो फाइव थाउजेंड का स्टॉक था ठीक है उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने फोर थाउजेंड का क्लेम दिया यानी वन थाउजेंड का जो लॉस हुआ है इसको कहाँ दिखा देते हैं पीएल में दिखा देते हैं ठीक है वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है ये हम लोग कस्टमर से नहीं रिकवर कर पाएंगे लेकिन नॉर्मल लॉस हम लोग कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं मतलब हमारे मेटेरियल कॉस्ट में उसे एड कर सकते हैं नॉर्मल लॉस को ठीक है तो ये हो गया नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का क्या होता है ईयर एंड में ठीक है जब भी ईयर एंड होता है फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो हम लोगों को इन्वेंट्री का वैल्यू करना पड़ता है ठीक है और ये वैल्यू हम लोग कहां पर शो करते हैं ये वैल्यू हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं और एक दिखाते हैं ट्रेडिंग अगर कोई किसी का ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी ये दिखा सकता है ठीक है तो वैल्यूएशन करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बैलेंस शीट में ये दिखाएंगे क्योंकि ये करेंट एसेट होता है बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे तो बैलेंस शीट कैसे हम लोग एड करके प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हम लोग सही वैल्यूएशन करके इन्वेंट्री का नहीं दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक का तो हम लोग का प्रॉफिट 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 यानी ग्रॉस ग्रॉस गलत 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 दिखेगा gross profit गलत होगा net profit गलत, net profit गलत होगा नेट नेट तो बैलेंस शीट भी गलत होगा यानी वैल्युएशन ऑफ इन्वेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिपोर्ट को रेडी करने के लिए या फिर बोल सकते हो फाइनल अकाउंट्स को रेडी करने के लिए तो जब तक हम लोग वैल्युएशन नहीं करेंगे अपने इन्वेंट्री का तब तक हम लोग अपना जो ईयर एंड में फाइनेंशियल अकाउंट है वो बिल्कुल नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे ठीक है तो ये देखो यहाँ पर वैल्युएशन जो है वो हम लोग क्यों जरूरी है करना देखो अलग अलग मेथड होता है अलग अलग मेथड का यूज करना क्यों जरूरी है जैसे मान लो कि हम लोगों के पास टाइप पी रॉ मेटेरियल है ठीक है टाइप पी रॉ मेटेरियल है और टाइप पी रॉ मेटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है और जो कि हम लोग गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं ठीक है थीके? ये हो गया गोडाउन गोडाउन में हम लोग टाइप पी रॉ मेटेरियल स्टोर करके रखते हैं और ये हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेस करते हैं ठीक है एक बार मान लो हम लोगों ने जून में परचेस किया जिसका प्राइस था हंड्रेड रुपीज एट द रेट ऑफ हंड्रेड करके फिर जुलाई में जब यही मेटेरियल परचेस किया तो थोड़ा सा रेट बढ़ चुका था हंड्रेड फिर अगस्त में जब हम लोगों ने परचेस किया तो ये हो गया एट द रेट ऑफ 95 कम हो गया और नवंबर में जब हम लोगों ने परचेस किया तो ये हो गया एट द रेट ऑफ 110 ठीक है अब ये जैसे जैसे हम लोग खरीद रहे ये गोडाउन में जा रहा है जैसे मान लो पहला जून वाला जो हंड्रेड रुपीज वाला है वो हम यहाँ पर दिखा देते ठीक है हंड्रेड रुपीज वाला ये कलर से मैंने दिखा दिया ठीक है उसके बाद हंड्रेड फोर ये मान लो हंड्रेड फोर वाला है ठीक है ये हंड्रेड फोर वाला मेटेरियल हो गया उसके बाद है नाइन्टी फाइव तो सपोज ये हो गया नाइनटी फाइव रुपीज वाला मेटेरियल हो गया और बाकी ये बचा ठीक है ये वाला ये जो है 95 ये 110 वाला मेटेरियल हो गया ठीक है अब ये सब मेटेरियल गोडाउन में जा रहा है और ये ये एक जगह पे मिक्सडअप हो रहा है ठीक है एक जगह पे मिक्सडअप हो रहा है अगर हमें वैल्यूएशन करना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेट वाला हम लोग क्यों वैल्यूएशन मेथड सीखेंगे क्योंकि हमें ये पता करना है जब ईयर एंड आएगा ये पता करना है कि हमारे पास कौन सा स्टॉक है मतलब हमारे पास पी मेटेरियल ही है टाइप मेटेरियल वन ही है एक ही ऐसा मेटेरियल है लेकिन कौन सा रेट वाला पड़ा हुआ है क्या हंड्रेड रुपीज वाला जितना हम लोगों ने खरीदा था पूरा कंज्यूम हो गया तो अगर पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो हंड्रेड रुपीज वाला तो नहीं रहेगा अगर नहीं हुआ है तो कौन सा है कितना है कौन सा बचा है यह सभी में से थोड़ा थोड़ा बचा है वो हमें पता करना है अगर वो हमें नहीं पता कर पाएंगे तो हम लोग वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे वैल्यूएशन का मतलब क्या है हमें क्वांटिटी भी बताना है एज वेल एज हम लोग उसका जो है रेट रेट भी बताएंगे और टोटल अमाउंट भी बताएंगे मतलब अगर मान लो हम लोगों के पास हंड्रेड टेन वाला ही मेटेरियल है हंड्रेड टेन वाला ही एंड में बचा है तो क्वांटिटी कितना है जो बचा हुआ है उसका क्वांटिटी कितना है ये तो रेट है रेट तो पता चल जाएगा क्वांटिटी कितना है और वैल्यू वैल्यू का मतलब हो गया क्वांटिटी इनटू रेट हो जाएगा ठीक है? है तो वैल्यू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो एक, एक गोडाउन पे, पे सारा चीज मिक्सडअप हो रहा है तो हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे इसलिए हमें कुछ मेथड सिखाया गया है जैसे कि देखो मेथड क्या क्या है पहला है सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड और कौन सा मेथड हो सकता है फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ठीक है मतलब जो स्टॉक सबसे पहले आया उसे सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन के वहां भेज देंगे ठीक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नॉर्मली जो सब पेरिसेबल गुड्स होता है ना उसके लिए ये यूज किया जाता है क्योंकि ये मतलब जितना रखेंगे उतना खराब हो जाएगा इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिचुएशन सिस्टम से किया जाता है पेरिसेबल नेचर का गुड्स होने से हम लोग नॉर्मली ये ज्यादा फॉलो करते हैं और होता है लीफो लीफो मेथड का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट ठीक है लास्ट इन फर्स्ट आउट तो जो लास्ट में आया उसे पहले हम लोग क्या करेंगे पहले प्रोडक्शन के लिए भेज देंगे ठीक है तो ये सारा मेथड जो है अलग अलग मैथमेटिकल प्रोसेस से होता है तो वो वो हम लोग एक बार देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं तो एक क्वेश्चन ले लेते यहाँ पर देखो

मटेरियल टेन रुपीज वाला फिर परचेज किया गया टेन पॉइंट टू वाला इशू इशू का मतलब होता है प्रोडक्शन के लिए भेजना ठीक है इशू किया गया है जॉब एक्स ठीक है एमआर आर मेटेरियल रिक्विजिशन नोट ये हम लोगों ने पढ़ा था ना एकदम स्टार्टिंग में कि अगर मेटेरियल खरीदना होता है ठीक है तो वो कैसे होता है वो नॉर्मल ऐसा नहीं कि हम लोग मार्केट में गए और खरीद लिया ऐसा नहीं होता है तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो पहले परचेस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजता है उसके बाद मेटेरियल खरीदा जाता है तो ये देखो कौन सा मेटेरियल इशू किया गया है जो मेटेरियल रिक्विजीशन नंबर ट्वेल्व से खरीदा गया था ठीक है परचेज फिर फिर परचेज हुआ है यहाँ पर फिर इशू हुआ है जॉब वाई में फिर इशू हुआ है जॉब Z में फिर परचेज हुआ है इतना फिर इश्यू हुआ है इतना ठीक है तो हम लोग को क्या करना है इस पूरे डिटेल्स को हम लोगों को कौन से मेथड से करना है सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज देख लेते इसके बाद भी कोई इंफॉर्मेशन है क्या नहीं नहीं इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं ठीक है तो ये पूरा जो कैलकुलेशन है हम लोग पहले सिंपल एवरेज से करेंगे फिर वेटेड एवरेज से करेंगे अगर कोई भी अपने गोडाउन में मतलब स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल एवरेज मेथड यूज करता है तो वो कैसे होगा देखो पहला बात है कि यहाँ पर सिंपल एवरेज बोल रहा है इसका मतलब एवरेज होगा इतना पता चल रहा है एवरेज करना है हमें प्राइस को तो देखो कैसे होगा इलास्ट्रेशन फाइव ठीक है हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डेट क्या क्या कॉलम जो है लिखना पड़ेगा डेट रिसिप्ट रिसिप्ट का मतलब हम लोग अगर परचेस कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग रिसिप्ट लिखते हैं जैसे रिसिप्ट में अगर हम लोग परचेस करेंगे तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चलेगा क्वांटिटी का पता चलेगा प्राइस या रेट का पता चलेगा और उससे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है ये तीन चीज का हमें पता चल जाएगा उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इश्यूज़ ठीक है इश्यूज़ का मतलब कितना हम लोग प्रोडक्शन के लिए भेज रहे हैं उसमें भी हमें क्वांटिटी पता होना चाहिए प्राइस पता होना चाहिए और वैल्यू पता होना चाहिए ठीक है अच्छा नेक्स्ट हो जाएगा बैलेंस मतलब खरीदा हम लोगों ने फिर इश्यू किया तो बचा कितना तो बैलेंस में हम लोग फिर से वही क्वांटिटी भी लिखेंगे प्राइस भी लिखेंगे और वैल्यू भी लिखेंगे और एक यहाँ पर रिमार्क का कॉलम चाहे तो हम लोग कर सकते हैं अगर कुछ स्पेशल केस होता है तो उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ठीक है मतलब जैसे मान लो कि हम लोगों ने मतलब इश्यू तो नहीं किया था लेकिन रिटर्न किया ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने क्रेडिटर को रिटर्न कर दिया क्रेडिटर को रिटर्न कर दिया तो फिर उसको कहाँ दिखाएंगे इश्यू में दिखाएंगे लेकिन नॉर्मली इशू का कॉलम यूज होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मेटेरियल को भेजने के लिए लेकिन उसके भी हाथ में अगर हम लोग मान लो कोई आ, स्टॉक चोरी हो जाता या है या फिर मान लो हम लोग रिटर्न कर देते हैं या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है प्रोडक्शन वाले में से ठीक है नॉर्मली ऐसा नहीं स्टोर से ही प्रोडक्शन में जाना चाहिए लेकिन एक प्रोडक्शन से अगर दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहा है स्पेशल नोटिस के साथ तो वो भी इशू में ही दिखाना चाहिए तो वो सब हम लोग रिमार्क्स में दिखाते हैं अगर कोई स्पेशल केस है अदरवाइज जरूरत नहीं है तो यहाँ पर देखो कैसे करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या वैल्यू दे रखा है पहले बोल रहा है तो, फर्स्ट ऑफ मार्च को परचेज हुआ है तो टू थाउजेंड सिक्सटीन मार्च वन ठीक है तो परचेज कितना हुआ है परचेज हुआ है हंड्रेड यूनिट्स परचेस हुआ है हंड्रेड यूनिट्स एट द रेट ऑफ टेन ठीक है हंड्रेड यूनिट्स एट द रेट ऑफ टेन करके वन थाउजेंड अच्छा उसके बाद यहाँ पर आ, फिर से परचेज हुआ है ठीक है तो अगर ये परचेज हुआ है और नेक्स्ट परचेज दूसरे डेट पे हुआ है तो अभी हम लोग इशू में तो कुछ नहीं लिखेंगे लेकिन बैलेंस में जरूर लिखेंगे कि हमारे पास हंड्रेड यूनिट्स जो है वो स्टॉक है टाइप आ, कौन सा वाला मेटेरियल है देखो मेटेरियल डी हंड्रेड यूनिट है और ये कितना वैल्यू है वन थाउजेंड ठीक है और यहाँ पर लिख दिया मैंने टेन रुपीज इसका प्राइस है नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मार्च टू ठीक है मार्च का कर... सेकेंड ऑफ मार्च सेकेंड ऑफ मार्च में हम लोगों ने फिर से परचेस किया है टू हंड्रेड टू तो टू हंड्रेड टू तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वैल्यू पता चल जाएगा मल्टीप्लाई करने से आता है क्वान्टिटी ठीक है अब यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ है है क्वांटिटी ठीक क्वांटिटी कैसे हम लोग लिखेंगे क्योंकि एवरेज है एवरेज का मतलब क्या होता है इंडिविजुअली कुछ नहीं पता चलता है एवरेज का मतलब इंडिविजुअली कुछ नहीं होता है जैसे अगर हम किसी को मार्क्स पूछे की कितना मिला है ट्वेल्व में तो अगर कोई परसेंटेज बता रहे तो मुझे इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट का नहीं पता चला उसी तरह से यहाँ पर हम लोगों को इंडिविजुअली 100 यूनिट 10 रुपीस वाला 200 यूनिट 10.2 ऐसा नहीं दिखाना है हमें टोटल बताना है तो 200 प्लस 100 यानी टोटल 300 क्वांटिटी में है और उसका प्राइस हो गया 2040 प्लस 1000 य फोर जीरो रेट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा सिंपल एवरेज में रेट लिखना जरूरी नहीं क्यूं? रेट चेंज हो जा रहा है देखो ये अगर डिवाइड करेंगे ना ना तो ये टू वाला है ठीक तो है, है तो इसको हम लोगों को रेट लिखने का जरूरत नहीं होता है यहाँ पर अब मार्च इसके बाद कौन सा डेट है देखते हैं मार्च है फाइव इशू किया गया है कितना इशू किया गया है देखो इशूड टू यूनिट्स टू जॉब एक्स इशूड टू यूनिट तो हम लोगों के पास क्या 250 यूनिट इशू करने के लिए अवेलेबल है हाँ है 300 में से हम लोग 250 यूनिट इशू कर सकते हैं रेट कौन सा लगाएंगे ये है बात ठीक है रेट क्या लगाएंगे तो अगर 250 यूनिट करना है देखो सिंपल एवरेज में क्या होता है सिंपल एवरेज मेथड जो है वो बेस्ड ऑन फीफो होता है ठीक है बेस्ड ऑन फीफो करना पड़ता है हमें फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो अगर हम लोग यहाँ पर रेट लिखना चाहते कि कौन से रेट वाला जो है स्टॉक हम लोग इशू कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें पहले चेक करना पड़ेगा इस तरह से देखो हम लोगों के पास 100 यूनिट था टेन रुपीज वाला ठीक है उसके बाद थ्री हंड्रेड आया टू यूनिट आया टेन टू वाला ठीक है अब हम लोग इशू करेंगे ये सब हुआ है ये सब हुआ है है अगर हम लोग इशू इशू करते हैं कितना करने बोला है? 250. तो, 250 तो यहाँ से देखो ये यह, यहाँ से पूरा स्टॉक चला जाएगा यहाँ से पूरा स्टॉक लेस हो जाएगा क्योंकि हंड्रेड यूनिट पूरा चला जाएगा क्योंकि मैंने बोला फीफो फॉलो करना होता है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हंड्रेड रुपीज वाला पूरा चला जाएगा टू हंड्रेड रुपीज में से कितना चला जाएगा क्योंकि हमें टू फिफ्टी इशू करना है तो वन फिफ्टी चला जाएगा ठीक है ये पूरा का पूरा हंड्रेड लेस हो जाएगा यहाँ पर हम लेस करके दिखाते हैं हंड्रेड ठीक है और यहाँ पर वन फिफ्टी लेस हो जाएगा तो ये स्टॉक तो खत्म हो गया ये वाले स्टॉक में से कितना बचेगा पता है ये वाले स्टॉक में से फिफ्टी बच रहा है इशू इशू करने के बाद ये वाले स्टॉक में से फिफ्टी बचेगा यानी फिफ्टी टेन पॉइंट टू वाला बचा हुआ वा है बट वो चीज हम लोग को यहाँ नहीं दिखाना है तो इसका मतलब हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे ये जो है इसका हम लोग क्वांटिटी जब देखेंगे तो फिफो बेसिस पे करेंगे बट प्राइस किस तरह से करेंगे प्राइस हम लोग एवरेज से करेंगे ठीक है तो इश्यू प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा देखो वर्किंग नोट नंबर वन कैलकुलेशन ऑफ इश्यू प्राइस कैलकुलेशन ऑफ इशू प्राइस ठीक है ये कैसे कैलकुलेट होगा पहले हम लोग जो इशू कर रहे हैं उसका डेट लिख देंगे फिफ्थ ऑफ मार्च देख लेते फिफ्थ ऑफ मार्च ही था हाँ टू फिफ्टी यूनिट हम लोगों के पास दो एवरेज रेट आ जाएगा दो, रे, दो रेट है जिसका हम लोग एवरेज करेंगे तो दो है टेन 10 और टेन 10 तो 10 और टेन 10 टू का एवरेज हो जाएगा टेन पॉइंट वन जीरो यानी टेन पॉइंट वन जीरो रेट पे हम लोग ये इशू कर सकते हैं टेन पॉइंट वन जीरो रेट पे हम लोग इसे इशू करेंगे और इसका प्राइस हो जाएगा टू फाइव टू फाइव ठीक है और यहाँ पर बचा कितना यहाँ पर बचेगा फिफ्टी यूनिट ठीक है यहां पर रेट लिखने का जरूरत है फिफ्टी यूनिट बचेगा और ये माइनस कर दो थ्री जीरो फोर जीरो से टू फाइव टू फाइव माइनस कर देते कितना हो जाएगा 515 हो गया ठीक है 515 हो गया अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर मार्च 5 के बाद है मार्च 7 परचेज हुआ है कितना परचेज हुआ है 200 यूनिट 200 यूनिट कितना 10.50 10.50 तो ये हो गया 2100 ठीक है इतना परचेस हुआ है अब हम लोग परचेस किए तो इसको ऐड कर देंगे क्वांटिटी में 250 हो गया 50 प्लस 200 250 और 2100 ये वैल्यूएशन आया और पहले से था 515 तो ये हो गया 5172715 ठीक है टू सेवन नी टू सिक्स टू सिक्स हो गया इतना हम लोगों के पास अभी स्टॉक है ये हो गया सेवेंथ नंबर अच्छा फिर देखो नेक्स्ट सेवेंथ मार्च को टेंथ को फिर से परचेज हुआ है थ्री हंड्रेड टेंथ को फिर से परचेस हुआ है थ्री हंड्रेड यूनिट और इसका प्राइस है टेन पॉइंट एट थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड 40 ठीक है 3240 अब यहाँ पर टोटल करेंगे 250 था और भी 300 खरीदा हम लोगों ने मतलब 550 हो गया टोटल और ये वैल्यू को टोटल करो 5 5 और 8 5 5855 ठीक है 5855 ये हो गया मार्च 10th का ठीक है फिर 13 को इशू हुआ है फिर 13 को इशू हुआ है 13 को कितना इशू करना है हम लोगों को 200 यूनिट टू हंड्रेड यूनिट इशू करेंगे अब देखो अब हम लोग को देखना है कि हम लोग के पास कौन सा रेट का मतलब एवरेज करना पड़ेगा तो ये नेक्स्ट इशू डेट लिख लेते हैं नेक्स्ट इशू डेट है थर्टीन ऑफ मार्च कितना इशू करना है टू हंड्रेड ठीक है टू हंड्रेड यूनिट तो इसका प्राइस क्या होगा तो प्राइस कैलकुलेट होता है एवरेज से ठीक है अब हम लोग को देखना पड़ेगा हम लोगों के पास इसके पहले इसके बाद और कोई इशू नहीं हुआ है तो हम लोग के पास एक रेट वाला आ, मतलब स्टॉक तो है, है और टेन पॉइंट टू के बाद हम लोगों ने कोई कितने रेट वाला खरीदा था देखो ये पहला इशू हुआ था उसके बाद टेन पॉइंट टू वाला बच गया था ये बच गया था और हम लोगों ने टेन पॉइंट फाइव और टेन पॉइंट एट तीन रेट का हम लोग एवरेज करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास थ्री टाइप्स ऑफ रेट का जो है स्टॉक अवेलेबल है ठीक है तो यहाँ पर टेन पॉइंट टू हो गया नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे टेन पॉइंट फाइव और टेन पॉइंट एट डिवाइडेड बाय थ्री ठीक है इसका एवरेज करने से आ जाएगा टेन पॉइंट फाइव 10.5 आ गया 10.5 रेट पे हम लोग इशू कर सकते हैं क्योंकि एवरेज के बेसिस पे करना है तो टेन पॉइंट फाइव हो गया तो टू हंड्रेड इंटू टेन पॉइंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा ठीक है अब बचा, कितना? ये हो जाएगा? 5550 था। तो बचा 350 और यहाँ पर हो गया थ्री थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी फाइव ठीक है ये हो गया थर्टींथ ऑफ तो मार्च उसके बाद है 18th 200 यूनिट 18th को 200 यूनिट क्या हुआ है 200 यूनिट इशू हुआ है फिर से इशू करना है 200 यूनिट ठीक है 200 यूनिट इशू करना है अब हम लोगों को फिर से चेक करना पड़ेगा हमारे पास कौन से रेट का जो है स्टॉक अवेलेबल है 18th ऑफ मार्च 200 यूनिट कौन से रेट का स्टॉक अवेलेबल है तो देखो हम लोगों ने जब 200 यूनिट को आ, मतलब 200 यूनिट का इशू किया था तब हम लोग के पास ये सारे रेट ऑफ जो है स्टॉक अवेलेबल थे ठीक है तो अगर हम लोगों ने 200 यूनिट का स्टॉक जो है वो हम लोगों ने जब इशू किया तब हम लोग के पास कितना स्टॉक रह गया होगा ये देखो ये 50 वाला चला गया होगा टेन पॉइंट टू वाला तो चला गया होगा ठीक है क्योंकि हम लोग क्या करें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये पूरा चला गया होगा टू हंड्रेड में से और बाकी अभी वन फिफ्टी कहाँ कहाँ से लिया होगा टेन पॉइंट फाइव वाला कितना था देखते हैं टू हंड्रेड यूनिट था ठीक है तो यहाँ पर उसके बाद जो नया रिसीव हुआ था वो टू हंड्रेड यूनिट हुआ था और टेन पॉइंट फाइव रेट वाला था तो उसमें से हम लोग कितना लिए होंगे यहाँ से हम लोगों को लेना पड़ेगा वन फिफ्टी तो इसमें कितना बच जाएगा फिफ्टी मतलब टेन पॉइंट फाइव वाला हम लोगों के पास पड़ा हुआ है ठीक है ये 10.2 वाला खत्म हो गया और 10.8 वाला बचा हुआ है डिवाइडेड बाय 2 तो ये कितना हो जाएगा 10.65 हमें ये जस्ट चेक करते हुए जाना है कि कौन से रेट वाला स्टॉक पूरा पूरी जीरो हो गया उसको नहीं लेना है और जो बच जाएगा उसको लेना है 10.65 ठीक है 10.65 रेट पे हम लोगों को इशू करना पड़ेगा तो ये हो गया 2100

मार्च को हो गया फिर 20, 20th को परचेज हुआ है परचेज कितना हुआ है 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 11 करके यानी 11 100, 11 100 का स्टॉक हो गया अब ऐड कर देते हैं 1500, 150 एड करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 क्वांटिटी हो गया अब इसके साथ वैल्यू भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2725 ठीक है 2725 अच्छा ट्वेंटी एथ के बाद देखो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च पे इशू हुआ है ठीक है कितना इशू हुआ है देखो वन फिफ्टी यूनिट इशू हुआ है वन फिफ्टी यूनिट अब हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि हम लोग का रेट क्या लगेगा वन फिफ्टी यूनिट ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च को ठीक है अब ये दो रेट का तो था जब हम लोग ये इशू किए थे 200. अब देखते हैं क्या हो रहा है तो यहाँ पर 50 यूनिट बचा हुआ था 10.5. इसके बाद तो कुछ नहीं हुआ है इशू ठीक है अब देख लेते हैं इसके बाद 200 हुआ था यहाँ पर कितना है इस तरह से चेक कर लेते हैं देखो यहाँ पर हम लोगों का टेन पॉइंट फाइव वाला तो हम लोग का खत्म हो गया टेन पॉइंट फाइव सॉरी टेन और टेन पॉइंट टू वाला जो रेट का मतलब आइटम था वो खत्म हो गया है अभी बचा है कितना देखना पड़ेगा यहाँ पर तो उसके बाद रिसीव कुछ हुआ है उसके बाद तो रिसीव कुछ नहीं हुआ है ठीक है तो हम एक बार ना यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं ये देखो ये देखो सबसे पहले हम लोगों के पास कितना था यहाँ से देखने से समझ में आ जाएगा हंड्रेड यूनिट था फिर हम लोगों ने टू हंड्रेड यूनिट लिया और इशू टू फिफ्टी किया तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम टू फिफ्टी इशू किए देखो हम लोग के पास पहला स्टॉक था हंड्रेड ठीक है और दूसरा स्टॉक था यहाँ पर अः टू ठीक है और जब हम लोगों ने ये देखो पहला 100 था फिर दूसरा 200 था जब हम लोगों ने वन थ्री टू का इशू किया तो वहां से 100 खत्म हो गया हंड्रेड वाला खत्म हो गया और यहाँ से वन फिफ्टी खत्म हो गया ठीक है यहाँ पर बचा था फिफ्टी उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने टू uh, फिफ्टी के बाद टू हंड्रेड और थ्री हंड्रेड परचेस किया टेन पॉइंट फाइव और टेन पॉइंट एट टेन पॉइंट फाइव और टेन पॉइंट एट टू हंड्रेड और थ्री हंड्रेड ये देखो थ्री का हम लोगों ने परचेज किया था और इसमें हम लोगों ने कितना इशू किया था देख लेते हैं ये वाला यहाँ पर नेक्स्ट हम लोगों का इशू देखो क्वांटिटी यहाँ पर ये तो 250 दिखा दिया ये देखो यहाँ से 100 पूरा ले लिया मतलब 100 और 150 हो गया इतना 250 फिफ्टी इशू फिफ्टी बचा हुआ था फिर 200 हंड्रेड इशू हुआ तो ये 50 पूरा चला गया जीरो यहाँ से और ये नेक्स्ट जो है उसमें से क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे ना फिफ्टी ले लिया टू में से तो यहाँ से वन लेंगे तो इसमें कितना बचा हुआ रहेगा फिफ्टी बचा हुआ है फिर नेक्स्ट कितना इशू होने वाला है टू हंड्रेड टू हंड्रेड यानी यहाँ से फिफ्टी चला गया ठीक है और यहाँ से कितना च, चाहिए यहाँ से फिफ्टी जीरो हो गया ये वाला भी जीरो हो गया और टू फिफ्टी टू हंड्रेड करने के लिए यहाँ से वन फिफ्टी चाहिए तो यहाँ पर वन फिफ्टी रिमेनिंग है थ्री हंड्रेड वाला स्टॉक वन फिफ्टी रिमेनिंग है तो थ्री हंड्रेड वाला स्टॉक कौन से रेट का था टेन पॉइंट एट रेट वाला था मतलब वही बचा हुआ है टेन पॉइंट एट रेट वाला बचा हुआ है ठीक है टेन पॉइंट एट रेट वाला बचा हुआ है और दूसरा अगर कुछ खरीदा है तो वो उसके बाद इलेवन इलेवन वाला बचा हुआ है ठीक है इलेवन वाला बचा हुआ है बाकी जो है वो कंप्लीट हो गया, देखो हम लोग जैसे इशू किए, जैसे मैंने स्टॉक रिसिप्ट किया उसी तरह से दिखाया पहले 100 फिर 200 फिर 200 फिर 300 ये देखो रिसिप्ट कॉलम में देखो 200, 200, हंड्रेड ठीक है देखो पहले हम लोगों और जब टू फिफ्टी इशू करवाया तो हंड्रेड चला गया पूरा और टू चाहिए ना तो यहाँ से फिफ्टी ले लिया हम लोगों ने ठीक है

वैल्यू आ रहा है हम लोगों का 10.90 ठीक है वैल्यू आ गया 10.90 तो हम लोगों को फीफो बेसिस पे क्वांटिटी को चेक करते हुए जाना है तो 150 10.9 तो ये हो गया 1635 ठीक है और यहाँ पर माइनस कर लेते हैं वैल्यू कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा 1090 माइनस करने से ठीक है 1090 तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक एज अ सिंपल एवरेज मेथड ठीक है ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक सिंपल एवरेज मेथड से अब यही वाला क्वेश्चन हम लोग को वेटेड एवरेज मेथड से करने के लिए बोला है ठीक है तो वेटेड एवरेज जो है वो सिंपल एवरेज से ज्यादा आसान है वो नाम ही सिंपल एवरेज है लेकिन उसपे कैलकुलेशन पे टाइम लगेगा ठीक है तो नेक्स्ट वही वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे लेकिन सिंपल एवरेज से करेंगे सॉरी वेटेड एवरेज से करेंगे क्वांटिटी प्राइस और वैल्यू क्वांटिटी प्राइस और वैल्यू क्वांटिटी वैल्यू इसमें प्राइस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा रिसिप्ट इश्यूज, बैलेंस ठीक है तो यहां पर देखो ट्वेंटी सिक्स टू थाउजेंड सिक्सटीन मार्च है तो पहले हम लोगों ने हंड्रेड यूनिट सेम क्वेश्चन ये है हंड्रेड यूनिट एट द रेट ऑफ टेन करके वन थाउजेंड इसको हम लोग बैलेंस में लिख देंगे हंड्रेड एट द रेट ऑफ टेन करके वन थाउजेंड हो गया ठीक है मार्च वन के बाद था मार्च टू और मार्च टू में देखते हैं कितना टू हंड्रेड टेन पॉइंट टू टू हंड्रेड टेन पॉइंट तो सेम वैल्यू हो जाएगा टू जीरो और यहाँ पर टोटल करके लिखेंगे थ्री हंड्रेड और ये हो गया थ्री जीरो फोर जीरो से ही हमें करना है ठीक है क्योंकि एवरेज तो इसमें भी है तो दोनों को मिक्सडअप तो हम लोग करेंगे लेकिन इशू में जो है इशू वाला जो पैटर्न है वो अलग होगा तो फिफ्थ मार्च को देखो फिफ्थ मार्च को इशू हुआ है टू तो यहाँ पर लिखेंगे टू फिफ्टी और इसका रेट कैसे लगाएंगे ये मेथड आसान होता है मतलब हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग के पास टोटल थ्री थाउजेंड फोर्टी रुपीज का स्टॉक है जो थ्री हंड्रेड क्वान्टिटी को रिप्रेजेंट करता है थ्री जीरो फोर जीरो टोटल वैल्यू है जो कि थ्री हंड्रेड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है मतलब एक यूनिट कितने का टेन पॉइंट वन थ्री थ्री का है यानी ये हो गया हम लोग का एवरेज ठीक है वेटेड एवरेज क्योंकि देखो दो प्राइस यहाँ पर हम लोगों ने एड किया थाउजेंड रुपीज ये वाला और टू फोर्टी रुपीज मतलब ये वाला ये टोटल क्या है रुपीज है कितने क्वांटिटी का हंड्रेड और टू हंड्रेड ठीक है तो ये वेट के हिसाब से मतलब क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर एवरेज जितना आएगा उतने से ही हमें इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा टेन पॉइंट वन थ्री टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी थ्री हो जाएगा ठीक है अब सेम प्रोसेस से लिखेंगे इशू क्या है तो स्टॉक कम हो जाएगा फिफ्टी और यहाँ पर इससे इसको माइनस करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा फाइव अच्छा, हंड्रेड है मार्च सेवन शायद मार्च सेवन परचेज टू हंड्रेड यूनिट टू हंड्रेड यूनिट परचेज हुआ है टू हंड्रेड यूनिट टेन पॉइंट फाइव और थ्री हंड्रेड टेन पॉइंट एट टू हंड्रेड टेन पॉइंट फाइव करके तो सेम वैल्यू ही आएगा जो पहले आया था 2100 अब हम लोगों को टोटल करना है 250 और ये टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हो गया 607 टू से टू सेवन ठीक है 2607 अच्छा अब इसके बाद सेवेंथ के बाद टेंथ ऑफ मार्च ठीक है सेवन के बाद टेंथ ऑफ मार्च परचेस 300 यूनिट परचेस 300 यूनिट और यहाँ पर कितना है टेन पॉइंट एट जीरो रेट जो है खरीदा गया है तो टेन पॉइंट एट जीरो तो थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी आता है ठीक है मल्टीप्लाई करके देखो टेन पॉइंट एट जीरो करके अब हम लोग यहाँ पर टोटल लिखेंगे टू फिफ्टी प्लस थ्री हंड्रेड फाइव हंड्रेड फिफ्टी ठीक है और ये दोनों का टोटल कर लेंगे क्योंकि खरीदे हैं तो स्टॉक बढ़ेगा सेवन फोर एट फाइव फाइव एट फोर सेवन अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर मार्च टेन के बाद मार्च थर्टीन मार्च थर्टीन में इशू होगा ठीक है कितना इशू हुआ है देखो टू हंड्रेड यूनिट ठीक है टू हंड्रेड यूनिट इशू हुआ है अब हम लोग कैसे इसका एवरेज करेंगे सिंपल यहाँ पर देखो कितना स्टॉक है फाइव एट फोर सेवन कितना क्वांटिटी है फाइव फाइव जीरो तो फाइव एट फोर सेवन फाइव एट फोर सेवन डिवाइडेड बाई फाइव फाइव जीरो तो ये कितना आ गया टेन पॉइंट सिक्स थ्री जीरो नाइन तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टेन पॉइंट सिक्स थ्री ठीक है और इंटू टू हंड्रेड करने पे जितना आएगा टू वन टू सिक्स तो ये माइनस होके थ्री फिफ्टी यूनिट बचेगा इसके साथ इसको माइनस कर देंगे थ्री सेवन टू वन ठीक है थ्री सेवन टू वन ये हो गया अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्टीन के बाद एटीन एटीन ऑफ मार्च ठीक है एटीन ऑफ मार्च में फिर से हुआ है इशू टू हंड्रेड यूनिट टू हंड्रेड यूनिट फिर से है, तो देखो रेट कितना होगा ये डिवाइड कर लेते थ्री सेवन टू है फिफ्टी तो ये हो जाएगा टेन पॉइंट सिक्स वही आ रहा है रेट ठीक है टेन पॉइंट सिक्स थ्री और वैल्यू भी इतना ही आएगा टू वन टू सिक्स माइनस कर देते वन फिफ्टी और ये इससे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आ, यहाँ पर वन फाइव फोर फाइव ठीक है देख लेते वन फाइव नाइन फाइव होगा ठीक है वन फाइव नाइन फाइव वन फाइव नाइन फाइव हो गया ये हो गया एटीन ऑफ तो मार्च का उसके बाद ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी ऑफ ट्वेंटी मार्च का क्या है हंड्रेड यूनिट इलेवन इंच ठीक है परचेज हंड्रेड यूनिट इलेवन इंच यानी इलेवन हंड्रेड और यहाँ पर टोटल कर लेना है टू फिफ्टी और इलेवन हंड्रेड और ये टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा नाइन्टी फाइव टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी फाइव अच्छा उसके बाद मार्च ट्वेंटी फाइव मार्च ट्वेंटी फाइव में वन फिफ्टी यूनिट इशू होगा यूनिट इशू होगा। रेट कितना होगा इससे इसको डिवाइड करो जो लेटेस्ट वैल्यू और क्वांटिटी है डिवाइडेड डिवाइडेड तो तो ये हो जाएगा 10 .78, 10 .78. तो इसको मल्टीप्लाई करने से वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे तो वैल्यू मिलता जाता है ठीक है तो अब माइनस कर देते वन हंड्रेड और इसको माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा वन जीरो सेवन एट ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक कौन से मेथड से वेटेड एवरेज देखो यहाँ पर वन जीरो सेवन एट आया और सिंपल एवरेज मेथड से कितना आया था वन जीरो नाइन जीरो तो डिफरेंस आएगा ठीक है अलग अलग मेथड से अलग अलग वैल्युएशन होता है अच्छा नेक्स्ट ये देखो ये तो हम लोगों ने दो मेथड कर लिया देखो एक ही क्वेश्चन से हम लोग दो मेथड सीख लिए सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज अब एमसीक्यू में भी ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है जिनका एमसीक्यू बेस्ड होगा क्योंकि वहां पर भी ऐसा छोटा रहेगा इतना लेंदी नहीं रहेगा छोटा सा क्वेश्चन रहेगा लेकिन उसमें भी हमें ऐसे पूछा जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा तो हमें कंसेप्ट नहीं पता होगा तो हम लोग छोटा बड़ा कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते ठीक है अब देखो इलास्ट्रेशन सिक्स यहाँ पर क्या बोला है द स्टॉक ऑफ मेटीरियल हेल्ड ऑन वन फो टू थाउजेंड फिफ्टीन वज फोर हंड्रेड यूनिट एट द रेट ऑफ फिफ्टी पर यूनिट पहले से इनका ओपनिंग स्टॉक है 400 हंड्रेड यूनिट एट द रेट ऑफ फिफ्टी करके ये जो है, so बोल रहा है कि हमें ये सब कैलकुलेट करके बताना है क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा स्टोर लेजर प्रिपेयर करना है ठीक है स्टोर लेजर मतलब जो लेजर एक्चुअली क्या होता है कि हम लोगों का जो मेटेरियल है उसका स्टोरेज मतलब उसका डिटेल्स दो जगह पे हम लोग रख सकते हैं होता है बीन कार्ड एक होता है स्टोर लेजर बीन कार्ड मतलब जहां पर लेजर मतलब क्या जहां पर क्वांटिटी डेट रेट ठीक है और वैल्यू सब लिखा हुआ रहेगा लेकिन बिन कार्ड में ना सिर्फ क्वांटिटी लिखा हुआ रहता है कि किस दिन कौन सा स्टॉक इन हुआ और कौन सा स्टॉक आउट हुआ वैल्यू नहीं लिखा हुआ रहता है क्योंकि बिन कार्ड जो है वो स्टोर कीपर वगैरह बना लेते हैं तो उसमें उतना कैलकुलेशन का जरूरत नहीं होता है अगर मल्टीप्लीकेशन वगैरह का जरूरत होगा ना तो वो स्टोर लेजर हो जाता है जिसके लिए हमें स्किल्ड लोगों का जरूरत होता है जैसे अभी हम लोगों ने किया जितना भी मल्टीप्लीकेशन किया तो वो बीन कार्ड में नहीं होता है सिर्फ क्वांटिटी दिखाया जाता है बीन कार्ड का मतलब यहाँ पर अगर देखो ये जो अभी हम लोगों ने बनाया बीन कार्ड में क्या होगा ये जो रूपीज वाला है ये वैल्यू वाला कॉलम नहीं रहेगा सिर्फ क्वांटिटी दिखाया जाएगा वही हो जाता है बीन कार्ड और स्टोर लेजर का मतलब है क्वांटिटी रेट एज वेल एज वैल्यू सारा चीज दिखाया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टोर लेजर यहां पर बोल रहा है कि स्टोर लेजर को हमें कैसे प्रिपेयर करना है बेस स्टॉक मेथड से बोथ थ्रू फीफो एंड लिफो बी, बेस बींग हंड्रेड यूनिट मतलब हमें एक स्टॉक को बेस की तरह मेंटेन करना है मतलब हमें हंड्रेड यूनिट स्टॉक हमेशा अपने पास रख दे ना है उसके बाद ही इशू करना है ठीक है ये मेथड से हम लोग फिफो फॉलो करेंगे यही मतलब यही क्वांटिटी से हम लोग लीफो भी फॉलो करेंगे मतलब बेस स्टॉक हंड्रेड रखते हुए हम लोग फिफो बेस स्टॉक हंड्रेड रखते हुए लीफो ये हम लोग फॉलो करेंगे ठीक है फिफो एंड लीफो ठीक है तो फिफो लीफो मेथड हम लोग यहाँ पर सीख सकते हैं लेकिन बेस स्टॉक के साथ बेस स्टॉक कितना रखने बोला है हम लोगों को 100 तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है यह है क्वेश्चन नंबर सिक्स तो पहले डेट क्वांटिटी रेट वैल्यू क्वांटिटी रेट वैल्यू क्वांटिटी रेट वैल्यू इशू बैलेंस अच्छा सबसे पहले हम लोग फीफो से करते हैं ठीक है थीके? फीफो मेथड से कर लेते हैं तो देखो क्या है टू फोर टू थाउजेंड फिफ्टीन लेकिन पहले हम लोग ये रिकॉर्ड करेंगे टू फोर के पहले वन फोर आता है तो वन फोर में हम लोगों के पास कुछ स्टॉक अवेलेबल है तो वो हम लोगों को पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो अप्रिल 2015 तो अप्रैल 2015 का फर्स्ट फर्स्ट ऑफ अप्रैल फर्स्ट ऑफ अप्रैल यहाँ पर टू इधर लिख देते हैं तो अप्रैल का वन तो यहाँ पर हंड्रेड यूनिट सॉरी ये तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा बैलेंस में फोर हंड्रेड यूनिट फिफ्टी रूपीज अच्छा ये देखो यहाँ पर बेस स्टॉक बोला है हंड्रेड रखने के लिए हम लोगों के पास कितना था हम लोगों के पास फोर हंड्रेड था लेकिन इसको ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे क्योंकि हमें बेस स्टॉक हंड्रेड रखने बोला है तो हम लोग हंड्रेड अलग से हमेशा रखेंगे तो बाकी थ्री हंड्रेड हम लोग फ्री यूज के लिए रखेंगे इसे हम लोग इजिली यूज कर सकते फोर हंड्रेड के स्टॉक में से क्योंकि हंड्रेड हमें बेस स्टॉक रखने बोला है तो ये हमें अलग से दिखाना पड़ेगा तो ये फोर हंड्रेड को ना हम लोग दो पार्ट में लिखेंगे यहाँ पर ठीक है जिसमें एक रेस्ट्रिक्टेड यूज़ 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 रहेगा रहेगा एक फ्री यूज रहे ठीक है फ्रीली हम लोग उसे यूज कर सकते थाउजेंड तो, 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 तो इस तरह से हमें दिखाना पड़ेगा ये हो गया फोर हंड्रेड का कैलकुलेशन का उसके बाद सेकेंड ऑफ अप्रैल सेकेंड ऑफ अप्रैल में क्या हो रहा है देखते हैं पर लिखते सेकेंड ऑफ अप्रैल सेकेंड ऑफ अप्रैल में इशू 400 तो 400 इशू करना पड़ेगा तो 400 इशू हम लोग कैसे करेंगे यहां पर सॉरी तो ये वाला भी तो लिखना था दो तारीख को परचेज हुआ है 155 करके ठीक है तो परचेज हुआ है 155 करके पहले ये रिकॉर्ड होगा 155 करके तो 5500 ठीक है अच्छा यहाँ पर हमें अलग से लिखना पड़ेगा फीफो में हमें हर एक लॉट को हर एक स्टॉक के लॉट को अलग अलग दिखाना पड़ेगा तो ये देखो तीन अलग अलग दिखाएंगे फिफ्टी फिफ्टी ये नॉर्मली अलग नहीं दिखाना पड़ता ये अभी इसीलिए अलग दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग को बेस स्टॉक ये हंड्रेड रखने के लिए बोला है तो यहाँ पर हो गया फिफ्टी फाइव तो ये फाइव थाउजेंड ये हो गया फिफ्टीन थाउजेंड और ये हो जाएगा फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है ये वाला हो गया अच्छा नेक्स्ट देखो नेक्स्ट दो तारीख के बाद यहाँ पर ऑफ़ अप्रैल इशूड फोर हंड्रेड यूनिट सिक्स ऑफ अप्रैल इशू हुआ है फोर हंड्रेड यूनिट तो यहाँ पर लिखते हैं हंड्रेड इशू करना है ठीक है तो ये हंड्रेड को हम लोग टच नहीं करेंगे क्योंकि हंड्रेड हमारा बेस स्टॉक है ये हम लोगों के पास हमेशा गोडाउन में स्टॉक अवेलेबल रहेगा बाकी यूज कर सकते हैं तो बाकी फोर हंड्रेड के लिए पहले थ्री हंड्रेड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं तो फर्स्ट इन थ्री हंड्रेड है थ्री हंड्रेड वाला ले, ले लेंगे और ये हंड्रेड वाला ले लेंगे थ्री हंड्रेड वाला फिफ्टी रुपीज वाला था और ये फिफ्टी फाइव था तो ये हो गया फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है और ये हो गया फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड मतलब ये स्टॉक इशू हो गया बचा कौन सा बेस स्टॉक बचा हुआ है बस और कुछ नहीं तो ये हो गया फाइव थाउजेंड लेकिन इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे ये रेस्ट्रिक्टेड हैचे हंड्रेड यूनिट फिफ्टी फाइव करके टेंथ ऑफ अप्रिलेस परचेस सिक्स हंड्रेड यूनिट फिफ्टी फाइव करके तो ये हो जा रहा है थर्टी थ्री थाउजेंड ठीक है तो यहाँ पर हंड्रेड तो था ही और सिक्स हंड्रेड परचेस हो गया फिफ्टी ये था ये फिफ्टी फाइव था ये है फाइव थाउजेंड और ये थर्टी थ्री थाउजेंड तो ये हो गया ठीक है अच्छा टेंथ के बाद है 10th के बाद 13, 13 तो तो रेट हो जाएगा ट्वेंटी अब यहाँ से कितना बचेगा टू हंड्रेड कितना फिफ्टी फाइव वाला तो ये कितना हो जाएगा और ये इलेवन सॉरी ये तो बचेगा ही हंड्रेड तो रहेगा ही ये तो हमेशा रहेगा इसको लिखना ही पड़ेगा ठीक है और ये 600 में से 400 चला गया तो 200 बचेगा 55 वाला तो 11000 ये 11000 बचेगा ठीक है अच्छा 13 के बाद डेट देखते हैं कौन सा है 13 के बाद है 20 20th अप्रैल परचेस 500 यूनिट 20th अप्रैल परचेस 500 यूनिट 65 करके तो ये कितना हो जाएगा 32500 ठीक है अच्छा अब यहाँ पर अगर ये परचेस हुआ है तो लॉट तीन हो गया हंड्रेड वाला टू हंड्रेड और यहाँ पर फाइव हंड्रेड ये फिफ्टी रेट वाला ये सिक्सटी फाइव रेट वाला ये, 65 रेट वाला. 50 वा, ये वाला है फाइव थाउजेंड ये है इलेवन थाउजेंड और इसका थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है ये हो गया अच्छा ये हो गया ट्वेंटी, को. ट्वेंटी के बाद देखते हैं ट्वेंटी है, है इशूड सिक्स यूनिट अच्छा उज तो ले तो ले ये, तो ये तो मैं पता है ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर हंड्रेड इंटू सिक्सटी फाइव ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड हो रहा है ठीक है तो यहाँ से हंड्रेड तो ही रहा है हंड्रेड फिफ्टी करके फाइव थाउजेंड और ये देखो टू हंड्रेड खत्म हो गया फाइव हंड्रेड से फोर हंड्रेड चला गया ये भी हंड्रेड ही बचा हुआ है सिक्सटी फाइव करके सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है अभी इतना स्टॉक बचा हुआ है अच्छा नेक्स्ट देखते हैं ट्वेंटी फिफ्थ के बाद कौन सा डेट है ट्वेंटी फिफ्थ के बाद है टेंथ ऑफ मई टेंथ ऑफ मई परचेज हुआ है एट हंड्रेड सेवेंटी करके एट हंड्रेड सेवेंटी करके तो ये हो गया फाइव थाउजेंड फिफ्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है तो कितना कितना बचेगा यहाँ पर हंड्रेड हंड्रेड और एट हंड्रेड ठीक है तो फिफ्टी सिक्सटी फाइव और सेवेंटी यानी वैल्यू कितना हो जाएगा फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड और फिफ्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है ये स्टॉक अभी है अच्छा टेंथ के बाद देखते हैं टेंथ अब मई के बाद ट्वेल्थ इशू हुआ है फाइव हंड्रेड फिर थर्टीन में भी इशू हुआ है टू हंड्रेड तो ट्वेल्थ में इशू हुआ है ये मंथ चेंज हो जाएगा ठीक है ये मई हो जाएगा यहाँ पर हम अप्रैल में लिख रहे हैं लेकिन मई हो जाएगा ठीक है हम चेंज कर देंगे इसमें मई लिख देंगे जहां से स्टार्ट है 12th को 500 हुआ है हंड्रेड ये 100 नहीं ले सकते ये बेस स्टॉक वाला है तो ये 100 ले लेंगे 800 में से 400 ले लेंगे तो एक 65 रेट और एक 70 रेट ठीक है एक 65 और दूसरा 70 यानी 6500 और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर ट्वेंटी एट थाउजेंड ठीक है और ये हंड्रेड तो बचा हुआ रहेगा ही हमेशा हंड्रेड फिफ्टी वाला फाइव थाउजेंड ये तो रहेगा ही स्टॉक है ये हंड्रेड खत्म हो गया एट हंड्रेड से फोर हंड्रेड चला गया फोर हंड्रेड ही बचेगा यानी वैल्यू भी उतना ही होगा ट्वेंटी एट थाउजेंड ठीक है ये हो गया यहाँ पर और नहीं होगा इसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं ट्वेल्थ के बाद ट्वेल्थ के बाद कौन सा डेट है देखते हैं थर्टींथ ऑफ मई थर्टीन ऑफ मई इशू हुआ है टू हंड्रेड यूनिट तो थर्टींथ ऑफ मई ठीक है इशू यहां पर पहले लिख लेते हैं क्वांटिटी रेट वैल्यू क्वांटिटी रेट वैल्यू क्वांटिटी रेट वैल्यू ठीक है ये बैलेंस वाला है ये रिसिप्ट इशू ये अच्छा अभी हम लोग को इशू ही शायद दिखाना है, देख लेते हैं? हाँ, 200 दिखाना है. तो लॉट में क्या है वो बेस स्टॉक है फिफ्टी फिफ्टी रेट वाला फाइव थाउजेंड और ये टू हंड्रेड जो लिया उसके बाद फोर हंड्रेड में से टू हंड्रेड बच जाएगा सेवेंटी वाला टू हंड्रेड बच जाएगा सेवेंटी वाला तो ये हो गया फोर्टीन थाउजेंड ठीक है ये फोर्टीन थाउजेंड हो गया अच्छा ये ऑफ मई का हो गया उसके बाद देखते हैं 15, 15 में परचेज हुआ है फाइव हंड्रेड यूनिट ठीक है कितना रेट है रेट है सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव करके तो इसका वैल्यू आ रहा है थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है अच्छा तो यहाँ पर देखो हंड्रेड 200, 500, 50, 70, 75. तो ये तो रेट वैल्यू पता ही है फाइव थाउजेंड ये फोर्टीन थाउजेंड और ये हो जाएगा थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्टीन के बाद ट्वेल्थ ऑफ जून जून आ गया ये फोर हंड्रेड यूनिट करके ट्वेल्थ ऑफ जून फोर हंड्रेड यूनिट जो है वो इशू होगा फोर हंड्रेड यूनिट इशू होगा ठीक है तो फोर हंड्रेड वन हंड्रेड तो यूज नहीं कर सकते टू हंड्रेड कर लेंगे और फाइव हंड्रेड में से टू हंड्रेड ले लेंगे तो टू हंड्रेड सेवेंटी करके और ये फाइव हंड्रेड में से जो ले रहे हैं वो करके, तो ये हो फोर्टीन थाउजेंड और ये वाला वैल्यू हो जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड तो रिमेनिंग कितना होगा हंड्रेड स्टॉक तो रहेगा ही फिफ्टी वाला फाइव थाउजेंड और फाइव हंड्रेड में से टू हंड्रेड ले लिया मतलब थ्री हंड्रेड रहेगा सेवेंटी फाइव वाला तो यहां पर हो गया ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड अच्छा अब ट्वेल्थ ऑफ जून के बाद जून में हुआ है थ्री हंड्रेड यूनिट एट्टी पर यूनिट थ्री हंड्रेड एट्टी करके तो ये हो गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड ठीक है तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड यहाँ पर हंड्रेड थ्री हंड्रेड और एक थ्री हंड्रेड वाला ये फिफ्टी रुपीज है फिफ्टी रुपीज एट द रेट फिफ्टी रुपीज वाला स्टॉक और दूसरा ये एट्टी वाला है और इसके मिडिल वाला सेवेंटी ये वाला सेवेंटी ठीक है तो ये फाइव थाउजेंड और यहाँ पर हो जाएगा ट्वेंटी सेवेंटी नहीं है सेवेंटी फाइव है मैंने सेवेंटी लिख दिया फाइव है ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ये हो गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड ठीक है तो क्लोजिंग स्टॉक ये होगा अगर हम लोग चाहे तो टोटल करके भी लिख सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है अब ये सेम क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे करना है लीफो मेथड में करना यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से हमें करना है ठीक है तो देखो हम दिखा देते कैसे होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब फिर से पूरा चीज हमें करना पड़ेगा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से यहां पर ठीक है डेट क्वांटिटी रेट एमाउंट ये हो गया receipt. ये हम लोग करेंगे लिफो से यहां पे बेस स्टॉक मान के ही करना है फिर क्वांटिटी रेट और अमाउंट इशू फिर यहां पर बैलेंस क्वांटिटी रेट और अमाउंट तो पहले डेट है वन फोर फिफ्टीन ठीक है ये देखो वन फोर फिफ्टीन हम लोग दो तरह से स्टॉक को यहाँ पर डिफाइन कर देंगे ठीक है जो बैलेंस स्टॉक है एक हंड्रेड के हिसाब से और एक थ्री हंड्रेड के हिसाब से हंड्रेड फिफ्टी करके फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी करके फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है अच्छा इसके बाद टू फोर सेकेंड ऑफ अप्रिल ठीक है सेकेंड ऑफ अप्रिल में परचेज हुआ है हंड्रेड फिफ्टी फाइव क्योंकि डिफरेंस सिर्फ इशू में दिखेगा तो देखो जैसा है वैसा ही हम लोग लिखते जा रहे हैं ठीक है तो हंड्रेड थ्री हंड्रेड वन हंड्रेड ठीक है हंड्रेड थ्री हंड्रेड वन हंड्रेड फिफ्टी फिफ्टी और फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव तो यहाँ पर सेम यहाँ देख देख के ही लिखना है फाइव 15000 फिफ्टीन ठीक है अच्छा सेकेंड ऑफ अप्रैल के बाद आ जाता है सिक्स ऑफ अप्रैल इशू हुआ है 6th इशू हुआ है 600 यूनिट ठीक है 600 हंड्रेड सॉरी फोर हंड्रेड यूनिट लास्ट इन फर्स्ट आउट तो मतलब ये 100 वाला जाएगा 400 होगा 100 उसके बाद 300 वाला जाएगा मतलब 55 और ये 50 ये नहीं यूज होगा ठीक है ये बाकी दो में हमें लास्ट इन फर्स्ट आउट करना है लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट तो ये पूरा ही यहां पर जो है इशू हो चुका है फिफ्टीन ठीक है तो यहाँ पर कौन सा स्टॉक बचेगा सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड यूनिट वाला जो की बेस स्टॉक है 5000 ठीक है क्योंकि 400 था लिफो से करो फिफो से करो बस यही बचेगा ठीक है अच्छा ये हो गया सिक्स ऑफ अप्रैल नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का टेंथ ऑफ अप्रैल सिक्स 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 55 फाइव टेंथ ऑफ अप्रैल 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 55 तो ये हो गया थर्टी 33... थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी फिफ्टी फाइव फाइव थाउजेंड थर्टी थ्री थाउजेंड ठीक है ये यहां तक हो गया अच्छा ये दस अप्रैल तक हुआ अब नेक्स्ट डेट क्वांटिटी रेट अमाउंट या वैल्यू क्वांटिटी रेट क्वांटिटी, रेट और वैल्यू ठीक है ये भी वैल्यू लिख लेते सब एक ही जैसा लिख लेते हैं और पहला कॉलम हमेशा रिसिप्ट का फिर इश्यू फिर बैलेंस ठीक है अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट कौन सा डेट होगा हम लोग का यहाँ पर आ, 10th ऑफ अप्रैल होगा शायद चेक करते हैं कहाँ तक लिखा था नहीं 10th ऑफ अप्रैल तक तो लिख लिया था इसके बाद वाला 10th ऑफ अप्रैल तक लिख लिया हम लोगों ने परचेज हो चुका है इशू 400 यूनिट 13th ऑफ अप्रैल 13th ऑफ अप्रैल इशू हो रहा है 400 यूनिट चेक करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब 600 से चला जाएगा 455 करके 455 तो 22000 रिमेनिंग क्या हो गया बेस स्टॉक हंड्रेड यूनिट फिफ्टी रुपीज वाला फाइव थाउजेंड और सिक्स हंड्रेड था उसमें से फोर हंड्रेड चला गया तो टू हंड्रेड बचेगा फिफ्टी फाइव के हिसाब से इलेवन थाउजेंड ठीक है इलेवन थाउजेंड अच्छा थर्टींथ के बाद थर्टींथ अप्रैल के बाद ट्वेंटी थर्टी टू थाउजेंड स्टॉक तीन तरह का हो गया हंड्रेड टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड मतलब 50 रुपीज वाला फाइव थाउजेंड जो कि यूज नहीं कर सकते हैं इलेवन थाउजेंड थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है अच्छा ट्वेंटी के बाद आ रहा है अप्रैल ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल इशू हो रहा है सिक्स हंड्रेड यूनिट लास्ट इन फर्स्ट आउट तो पहले फाइव हंड्रेड पूरा ले लेंगे नहीं हो रहा है और भी हंड्रेड चाहिए तो ये टू हंड्रेड वालों से जाएगा मतलब फिफ्टी फाइव तो यहाँ पर थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वाला स्टॉक खत्म और ये फाइव फाइव जीरो जीरो बच्चा क्या है ये हंड्रेड वाला तो बचा हुआ है फिफ्टी करके फाइव ठीक है ये टू से हंड्रेड चला गया तो हंड्रेड बचेगा फिफ्टी करके फाइव ठीक है तो फाइव और फाइव इतना रिमेनिंग है ये हो गया ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ एप्रिल्वेंटी फिफ्टी फाइव वाला और सेवेंटी वाला तो ये हो गया फाइव थाउजेंड ये हो गया फाइव फाइव डबल जीरो और ये हो गया फाइव थाउजेंड फिफ्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है ये फिफ्टी सिक्स थाउजेंड हो गया अच्छा ट्वेल्थ ऑफ मई फाइव हंड्रेड तो ट्वेल्थ ऑफ मई फाइव लीफो कर रहे मतलब एट हंड्रेड से ही हो जाएगा सेवेंटी मतलब थर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है बचा क्या हंड्रेड बेस स्टॉक उसके बाद सेकेंड हंड्रेड और यहाँ पर फाइव हंड्रेड चला गया तो थ्री हंड्रेड अभी भी है फिफ्टी फिफ्टी 5 और 70 तो ये हो गया 5000 ये हो गया 5500 और ये हो गया 21000 ये है 12th मई तक का डाटा उसके बाद 13th ऑफ तो मई इशू फिर से 200 यूनिट 13th ऑफ तो मई इशू फिर से 200 यूनिट तो ये 300 से हम लोग दे देंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो ये हो गया 14000 ठीक है 14000 हो जाएगा यहाँ पर हाँ ठीक ही है 100 बचा हुआ है 100 बचा हुआ है और 100 बचा हुआ है सारा 100 हो गया है स्टॉक का क्वांटिटी हर एक रेट का 100 करके ही हो गया 5000 5500 7000 ये हो गया अच्छा 13th के बाद देखते हैं 13th के बाद 15 है परचेज 575 करके 15th ऑफ मई परचेज 575 करके तो ये हो जाएगा 37,500 अच्छा 100 100 100 500 हंड्रेड 50, 55 हंड्रेड फाइव हंड्रेड सेवन थाउजेंड और ये हो जाएगा 37,500 ठीक है अच्छा ये हो गया 15th ऑफ तो मई और उसके बाद है फोर हंड्रेड यूनिट इशू हुआ सिक्स को फोर हंड्रेड यूनिट इशू हुआ है तो फोर हंड्रेड यूनिट इशू करेंगे तो कितना बचेगा वन हंड्रेड बच गया वन हंड्रेड बच गया और वन हंड्रेड बच जाएगा और यहाँ भी वन हंड्रेड सारा ही वन हंड्रेड हो गया चार लॉट बन गया वन हंड्रेड का फिफ्टी फाइव ये फिफ्टी ये फिफ्टी फाइव और ये थर्ड वाला फोर्थ वाला सेवेंटी फाइव थोड़ा ऊपर नीचे हो गया 5, 000, 5, 500, वाला, फिर थर्ड वाला सेवन थाउजेंड और ये हो जाएगा सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये हो गया ठीक है और एक हर जगह नहीं बचा, ठीक है देखते हैं फिफ्टींथ को परचेज हुआ है ठीक है नेक्स्ट लिखते थे फिफ्टींथ को परचेज हुआ है फिफ्टींथ ऑफ जून ठीक है इस दिन परचेज हुआ है क्वांटिटी कितना है क्वांटिटी है थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड एट द रेट ऑफ एट्टी तो ये हो गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड इशू में कुछ नहीं आएगा ठीक है यहां पर क्या होता है क्वांटिटी यहां पर क्या होता है रेट यहां पर हो जाएगा वैल्यू फिर से यहाँ पर क्वांटिटी रेट वैल्यू ठीक है फिर यहाँ पर क्वांटिटी रेट और वैल्यू अब हम लोग बैलेंस में दिखाएंगे कितना कितना बचा हुआ है तो ये तो एंड में लिखेंगे पहले हंड्रेड चार लॉट है हंड्रेड चार लॉट है हंड्रेड 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 ठीक है ये चार और ये थ्री हंड्रेड ये तो हमें पता है एट्टी ट्वेंटी फोर थाउजेंड ठीक है और बाकी आगे का हंड्रेड कितना है फिफ्टी फिफ्टी फाइव सेवेंटी सेवेंटी फाइव अच्छा फिफ्टी फिफ्टी फाइव 70, 75. तो ये हो गया फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये हो गया सेवन थाउजेंड ठीक है ये सेवन थाउजेंड हो गया ये हो गया सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है ये हो गया वैल्यू ठीक है इसको टोटल करके देख सकते हो कि ये कितना हो रहा है तो फीफो में अलग होगा ऑब्वियसली फीफो LIFO दोनों में अलग होगा ठीक है तो ये वैल्यू इस तरह से करना पड़ेगा मैंने कैलकुलेट कर रखा था पहले से वहां से ही मैंने लिख दिया क्योंकि कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा तुम लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो ठीक है मतलब एक एक बार खुद से घर पे प्रैक्टिस करके देख सकते हो तो ये वाला हो गया अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर भी एक दिया है फीफो मेथड से करने बोला ये तुम लोग होमवर्क कर सकते हो ठीक है ये वाला होमवर्क करके देख सकते हो इलास्ट्रेशन सेवन ये हम लिख देते हैं नेक्स्ट दिन करवा देंगे इलास्ट्रेशन सेवन इसको हम होमवर्क दे देते हैं ठीक है इसका आंसर हम बता देंगे कि कितना होगा इलास्ट्रेशन so, सेवन कर सकते हो और नेक्स्ट क्या है देखते हैं इलास्ट्रेशन एट है इलास्ट्रेशन एट यहाँ पर बोला है लिफो से ये भी होमवर्क कर सकते हो ठीक है फिफो और लिफो दोनों ठीक है ये भी होमवर्क कर सकते हो इलास्ट्रेशन सेवन इलास्ट्रेशन एट अच्छा नेक्स्ट है नाइन यहाँ पर बोला है रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस पे तो ये काफी आसान होता है ठीक है रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस पे मतलब क्या होता है जो प्राइस रिप्लेसमेंट प्राइस है वो हमें बता दिया जाता है ये देखो यहाँ पर रिप्लेसमेंट प्राइस जो है ना नीचे हमें बता देगा कि कौन से डेट पे कौन, कौन सा रिप्लेसमेंट प्राइस है यानी यही हम लोग को इशू प्राइस मानना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है ये देखो यहाँ पर बोला है प्रिपेयर टोल लेजर अकाउंट सोइंग प्राइजिंग मेटेरियल इशूज ऑन रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस तो रिप्लेसमेंट प्राइस कितना लेंगे उसका लिस्ट नीचे दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर तो ये देखो पहले ओपनिंग तो ओपनिंग जैसे बैलेंस में लिखते वैसे लिख देंगे फिर रिसिप्ट बोला है हंड्रेड यूनिट फोर करके तो ये तो हम लोग जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे करेंगे ठीक उसके बाद मतलब ये चला जाएगा हम लोग का रिसिप्ट में, में इशू हुआ है ये देखो इशू हुआ है 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 पर ये जो है ना, ये लाइन, ये 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 जो ना लाइन नीचे जाना चाहिए था ये से ठीक एक इसके साथ आ गया है यहाँ पर ये इशूड वाला है उसके बाद ये डेट आ जाएगा फिफ्टीन के बाद सेवनटीन ये रिसिप्ट ये जो इशू हुआ है ना इसपे रेट कौन सा लगाएंगे देखो फिफ्टींथ ऑफ मार्च पे एक रिप्लेसमेंट रेट जरूर रहेगा फिफ्टींथ ऑफ मार्च का ये देखो फिफ्टींथ ऑफ मार्च का रिप्लेसमेंट रेट है फोर पॉइंट टू जीरो यानी इश्यू प्राइस जो है वो हमें एट द रेट ऑफ फोर पॉइंट टू जीरो करना पड़ेगा इस पे ठीक है इस पे अप्लाई करना पड़ेगा ये वाले पे थ्री हंड्रेड पे ठीक है तो ये होता है रिप्लेसमेंट प्राइस ये और भी आसान है ठीक है इसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है हमें सिर्फ रिप्लेसमेंट प्राइस के हिसाब से वैल्यूज दिखाने हैं और कुछ नहीं करना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पर जो है ये है स्टैंडर्ड प्राइस ये हम बता देंगे कैसे होगा स्टैंडर्ड प्राइस ठीक है तो ये दो तो तुम लोग इजीली होमवर्क कर सकते हो ठीक है ये दो तुम लोग इजीली होमवर्क कर सकते हो इलास्ट्रेशन सेवन एंड इलास्ट्रेशन एट ठीक है ये दो तुम लोग होमवर्क करो क्योंकि एक फीफो का है एक लीफो का है बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे